गरियाबंद में शिक्षा विभाग की स्थिति इतनी जारी हो चुकी है कि अब बुनियादी सुविधाओं के लिए भी उसे ग्रामीणों की मदद लेना पड़ रही है। दरअसल देवभोग विकासखंड के कुरला पारा प्राथमिक शाला के शिक्षक और ग्रामीणों ने जब भवन के बच्चों को बैठने लायक स्थिति नहीं होने की जानकारी राजीव गांधी शिक्षक मिशन देवभोग के ब्लॉक समन्वयक को दी तो उन्होंने ग्रामीणों पर ही व्यवस्था करने का बोझ डाल दिया। 20 साल पहले बनाया गया भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, छत और दीवारों में दरार पड़ गई है और जिसकी जानकारी कई आला अफसरों को बताई जा चुकी है, मगर आज तक कोई जिम्मेदार वहां झांकने तक नहीं आया। हादसे के डर से शिक्षक बच्चों को खुले में बैठाकर पढ़ा रहे हैं, बारिश के दिनों में भी बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासकीय अधिकारी को भी सूचना दी जा चुकी है ग्रामीण जनता द्वारा, लेकिन यहाँ पर प्रशासकीय अधिकारी द्वारा झांक करके भी नहीं देखा जा रहा। बच्चों को वहाँ बिठाना उचित नहीं लगा और जिसकी सूचना हमने लगभग 1-1.5 महीना पहले उच्च अधिकारियों का अवगत कराया है कि हमारा स्कूल जो है अति जर्जर स्थिति में है, आप तुरंत आकर मार्गदर्शन प्रदान करें, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिला है। वहाँ भवन भी नहीं है और छोटा पारा है, इसलिए बड़ा तकलीफ हो रहा है। वहाँ का भवन अति जर्जर हो गया।